जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी राशि के लिए मित्र ग्रह मंगल का अपने मित्र ग्रह सूर्य की राशि में परिवर्तन होना कैसे रिजल्ट आपको देने वाला है। यानी कहीं ना कहीं एक मित्रता रूपी व्यवहार निभाने वाला मंगल ग्रह एक बहुत बली स्थिति में यहाँ दिखाई देगा। मंगल अभी तक आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर नीच के होकर चल रहे थे, जो कि आपकी बुद्धि और शिक्षा का स्थान है, और वहां पर नीच का मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देता है, एजुकेशनली भी दे सकता है, बुद्धि के तौर पर भी दे सकता है। अब वो मंगल ब्रह्मांड में गोचर करते हुए चलते हुए 1 जुलाई 2023 को प्रवेश कर जाएगा सूर्य की कक्षा के अंदर। यानी सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं मंगल, जिसको सेनापति का अधिकार प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में, ग्रहों में सेनापति कहता है। और सेनापति कौन होता है? जो सेना में आगे खड़ा रहता है, जो ऑर्डर देता है, जो राजा के ऑर्डर को फॉलो करता है, और वो सेना में तब तक नहीं हटता जब तक सारे की सारी सेना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब सेनापति को कुछ होगा तब राजा के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी। यानी ये वो प्लेनेट है जो जोशीला भी है, जो साहसी भी है, जो जीवन में अपने बल पर कुछ करने में सक्षम है। ये है मंगल। वो मंगल राजा की राशि के अंदर पहुंच गया, राजा की कक्षा में। यानी अब मंगल का जो बल है, मंगल का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है, जो स्वाभिमान है, वो पहले के मुकाबले बढ़ता दिखाई दे। ये मंगल सूर्य की कक्षा में गया है, यानी आपको एक एनर्जी प्रदान करने का सोर्स देने में सक्षम है। अकेला मंगल वो ग्रह है जो छठे घर से बैठकर आपकी राशि को दृष्टि दे सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो छठे से बैठ के राशि को दे। इसलिए मंगल को छठे घर में बैठकर वरदान बताया गया कि अगर छठे घर में मंगल आता है तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, कंपटीशन एग्जाम में सफलता दिलाता है ऐसा ग्रह। ऐसा ग्रह परिस्थिति से डरता नहीं है, उसमें कूद कर उसमें विजय हासिल करने की कोशिश करता है। तो वो एक बहुत सुंदर स्थिति मंगल से ये तो पता लगी कि मेरे 6th हाउस में मंगल आ रहा है, यानी मुझे अब घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भीतर पहले के मुकाबले आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर छठा घर रोग ऋण रिपु है तो उन सबके ऊपर अकेला कमांड पाएगा मेरा मंगल। वो सूर्य की राशि में है तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता, सरकारी नौकरी मिल जाना, सरकारी लोगों से उठ बैठ करके काम लेना, राजनेताओं से या राजनीति के लोगों से बैठ कर आपका काम होना भी इस मंगल की बदौलत देखता है। यानी 6th हाउस वो प्लेनेट है मंगल, जिसको कहा जाता है कि मैं सिर्फ अपने बल पर बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपको किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप आगे बढ़िए, मंगल आपका साथ देगा। आप आगे बढ़ेंगे, लोग बाग आपको मिलेंगे हेल्प करने के लिए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस दौरान खास तौर पे जब मंगल 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो यहाँ से बैठ के अपने ही भाग्य स्थान को देखेगा कि मैंने अपने बल पे, अपने भाग्य के बल पर अपने आप को साबित किया, मैंने अपना भाग्य खुद बनाया। मैं किसी के साथ सामने पहुंचा नहीं कि तुम मेरी हेल्प कर दो, ना ही कोई आपकी हेल्प करेगा और ना ही किसी से आपको हेल्प लेनी है, आपको अपने आप आगे चलना है। हो सकता है कार्य में विलंब हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्य में सफलता ना हो। तो ये मंगल की वजह से मिलेगा। 9th हाउस को देखता है कि अपने बल पर, अपने बाजुओं के बल पर मैंने अपना भाग्य बनाया। शनि ग्रह इसको दृष्टि दे रहा है, 12वें घर का मालिक है। भाग्य बनाने के लिए यात्रा, भाग्य बनाने के लिए दूरी, दूर स्थान पर जाना, हवाई यात्रा करना, विदेश यात्रा करना, विदेश से जुड़कर काम करना, विदेश में जाकर नौकरी करना भी इस शनि की बदौलत हमें दिखाई देता है। यानी एक बहुत अच्छी स्थिति शनि से आती है, और ये शनि और मंगल दोनों 9th हाउस को देखते हैं तो एजुकेशन के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, फॉरेन ट्रेवलिंग्स के लिए अच्छा, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा, धार्मिक कर्म कराने वाला, धार्मिक यात्राएं कराने वाला ये योग होगा। यानी कुछ ना कुछ इस दौरान दूर से जुड़कर आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। अगर इस तरीके का कोई भी प्रयास करते हैं तो वो सफल होगा। अपने प्रयास जारी रखिए। तो शनि और मंगल का यह पोजिशन इस बात को दिखाता है, जब छठे घर में मंगल चले तो कार्य करने से पहले ये जरूर सोचें कि मैं किस तरफ अपनी एनर्जी को लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, उससे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। थोड़ा सा क्षण भर सोचेंगे तो शायद आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब आपके कर्म भाव का कारक स्वामी ग्रह बृहस्पति, आपकी राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति, वो 2nd हाउस में मंगल की राशि में बैठ के मंगल को दृष्टि देते हैं। यानी ये एक धन का संयोग है कि धन का मालिक भले ही छठे घर में गया हो लेकिन मंगल उसको देख रहा है। तो बहुत बार कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के बाद धन भी मिलता है, बहुत बार शत्रुओं से पैसा कमा लेते हो, कोर्ट कचहरी का काम है, मेडिसिन का काम है,
फाइनेंस का काम है, लोन्स का काम है, बैंकिंग सेक्टर का काम है, मेडिसिन सप्लाई का, डॉक्टर से संबंधित क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, तो भैया तुम्हारे लिए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये समय आपको धन दिलाने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी इस पे पड़ रही है। अगर दूसरे घर का मालिक है मंगल, तो अपने से पंचम में भी है, और अच्छी बात यह है कि मंगल अपने मित्र की राशि में, इसलिए नुकसान करने वाला नहीं होगा। हाँ, अगर शत्रु राशि में होता, पीड़ित होता, तो शायद धन का नुकसान कर देता। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारे लिए शुभ स्थिति में दिखाई दिया कि अकेला मंगल 50 दिन के लिए आपके जीवन में आ रहा है, जिसमें बृहस्पति और शनि की दृष्टि भी है, और मंगल छठे घर में बैठकर अपने ही स्थानों को दृष्टि देने के कारण कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव स्थिति को क्रिएट करता दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत अच्छा समय मैं कह सकता हूँ, जो आपके जीवन में आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया है, आपको जीवन में एक हेल्प करने के लिए आया कि मैं परेशान चल रहा था, मुझ पर शनि की साढ़े साती थी, मेरे लिए कुछ समय अवश्य ऐसा आया जिसने मुझे हेल्प किया। तो एक अच्छे समय की शुरुआत इस दौरान मैं यहाँ कह सकता हूँ। तो ये था मीन राशि के जातकों पर मंगल के परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।